नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लाखों लाख की संख्या में लोग बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में पटना में खास करके राजधानी में आपको आलम छठ का दिखने लगा है, माहौल दिखने लगा है। आज से छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। नहाए खाए है आज, कल खरना है, उसके बाद पहला अर्ध और दूसरा अर्ध होगा। तो 4 दिनों का महापर्व शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच आपको बिहार की राजधानी से छोड़कर दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसकी बात करते हैं और वहां दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, वहां पर छठ पर्व को लेकर सियासत खूब गर्म है। जी हाँ, सियासत खूब गर्म है, खूब सियासत हो रही है। दरअसल दिल्ली में यमुना में छठ पर रोक लगा दी गई है, उसके बाद लगातार सियासत हो रही है। तो आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे जो संवाददाता हैं, दिल्ली संवाददाता के झा ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। तो हम आपको वो पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। के झा ने उस स्थिति का जायजा लिया, वहां पर नेताओं से बातचीत की, तो क्या है पूरे हालात आपको वो दिखाते हैं रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में इस बार छठ पर्व यमुना नदी के किनारे छठ व्रती नहीं मना सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मनीष सिंह है। इस बार तो मनाई होगी आप लोगों को, नहीं कैसे मनाएंगे आप लोग? मना रहे हैं, हम लोग मानने वाले थोड़ी हैं। हम लोग पूर्वांचल के बेटा हैं और छठ के लिए तो अगर जो करना होगा करेंगे। लाठी खाने की जरूरत होगा तो खाएंगे भी, और लाठी चलाने की जरूरत होगा तो लाठी चलाएंगे भी। और छठ तो घाट पे मनाएंगे, चाहे घाट पे ही मनाएंगे, यमुना घाट पे ही मनाएंगे। इसीलिए तो यमुना घाट पे आए हैं और छठ यहाँ मनाएंगे। अभी हमारे पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा जी आ रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि केजरीवाल तुमको जो करना है करो, रोक सके तो रोक लो, पूर्वांचल के लोगों को तुम रोक नहीं सकते हो, और यमुना पे छठ घाट मनाएंगे। मैं प्रवेश वर्मा जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके इस जोश को, उनके हिम्मत को सलाम करता हूँ। उनके कारण सब लोगों में अलग से एनर्जी आई है और छठ घाट पे ही हम लोग मनाएंगे। अभी 10 मिनट में प्रवेश वर्मा जी यहाँ आ रहे हैं। 1:30 बजे हमारे पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कलिंदी कुंज पहुँच रहे हैं, वहाँ पर भी करेंगे। उसके बाद सोनिया बिहार पर भी कर रहे हैं, छठ यमुना घाट पर होगा। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, भाजपा वाले राजनीति कर रही है इस पे। अरे केजरीवाल जी, तो उनको करना तो कुछ है नहीं, छठ घाट के सफाई के नाम पे, यमुना घाट की सफाई के नाम पे करोड़ों रुपया खाए हैं। यमुना की स्थिति देखिए क्या सफाई है। आज हम लोगों को यहाँ यमुना की सफाई करना पड़ रहा है, तो आप जो यमुना के सफाई पे एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च किए हैं, सफाई का पैसा इधर आना चाहिए जो एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं। और राजनीति, हम लोग तो राजनीति कर ही नहीं रहे, हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा हक है। मैं पूर्वांचल का बेटा हूँ, मेरा हक है कि मैं छठ कहीं पे भी कर सकूँ। छठ के लिए हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा क्या कि छठ पूजा हमको जहाँ पे करना, हमारी जहाँ इच्छा हम वहाँ करेंगे। सूरज भगवान को हम अर्घ देना देते हैं, हमारी जहाँ पे इच्छा होगा, और यमुना पे छठ घाट तो हम करके ही रहेंगे। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, दिल्ली की जनता जानती है, पूर्वांचल के लोग जानते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है। तो भाजपा सांसद परमेश वर्मा साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो ITO स्थित छठ घाट है, बिहार झारखंड और पूर्वांचल के लोग यहीं पर छठ मनाएंगे, भले ही DDM दिल्ली सरकार हमें परमिशन न दे, लेकिन हम यहीं पे छठ घाट बनाएंगे। तो देखिए, सफाई करते हुए भी कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पर प्रवेश वर्मा खुद फव्वारा चलाकर छठ घाट का ऑफिशियली पूजा पाठ करके शुरू कर दिया है कि यहाँ पे छठ घाट बनेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस भी तैनात है यहाँ पर, क्योंकि DDMA की तरफ से परमिशन नहीं मिला है। तो सरकार ने साफ तौर से कह दिया कि इस बार यमुना नदी के किनारे हम छठ नहीं मनाने देंगे। देखिए, ये खुद घाट बना रहे हैं। आप यहीं बनाते हैं प्रत्येक साल छठ? नहीं भैया, आप साफ कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब पूर्वांचल के लोगों के लिए? जी जी जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला का, गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो प्रत्येक साल आप लोग दिल्ली में छठ मनाते हैं? दिल्ली में छठ मनाते हैं। इस बार तो सरकार कह रही है कि यमुना नदी के किनारे नहीं मनाने देंगे, यमुना घाट पे नहीं मनाने देंगे, अल्टरनेट व्यवस्था दे रही है, अल्टरनेट व्यवस्था दे रही है, वहाँ अपना व्यवस्था हो रहा है। तो देख सकते हैं यह साफ तौर से, यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के द्वारा भले ही परमिशन न दिया गया हो, लेकिन बिहार झारखंड और पूर्वांचल के लोग साफ तौर से इसी घाट पर प्रत्येक साल मनाते हैं छठ। तो इस बार भी यहां पर छठ घाट पे, इसी जगह ITO पर छठ मनाएंगे। तो इस वक्त प्रवेश वर्मा, जो कि भाजपा के सांसद हैं दिल्ली से, वो आए हुए थे और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के संस्कृति से अरविंद केजरीवाल खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार वो पूर्वांचल के लोगों पर अटैक करते रहते हैं। लेकिन छठ पर्व हम पूर्वांचल के लोग यमुना नदी के किनारे ही जगह जगह जैसे मनाते थे दूसरे वर्ष, वैसे भी यही इस वर्ष भी हम मनाएंगे। तो देखा आपने, जो हमारे संवाददाता के झा ने छठ घाटों का जायजा लिया, और उसके बाद वहां पर जो ITO पर जो दिल्ली BJP के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो पहुंचे थे। उन्होंने साफ सफाई की
और आपने देखा कि किस तरह से सरकार के फैसले के विरोध में बीजेपी ने आईटीओ छठ घाट पर प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ। तो दिल्ली में छठ पर सियासत खूब हो रही है, हालांकि बिहार में छठ की रौनक पिछले एक दो सालों के बाद लौटी है, क्योंकि पिछले एक दो सालों से कोरोना की वजह से लोग घाटों पर नहीं जा रहे थे, लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई हैं और अब लोग आज इस छठ में घाटों पर जाएंगे, अर्घ देंगे। तो दिल्ली में इसको लेकर अब सियासत खूब है और काफी चरम पर है ये सियासत। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।